व्हीकल सिक्योरिटी सिस्टम ऐप के जरिए व्हीकल जो है वो ब्लॉक होगी और अनलॉक होगी। थ्री टाइम वाला करने ब्लॉक हो जाएगी, सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, हमारे साथ मोबाइल पे मैसेज रिसीव हो जाएगा लोकेशन। इसके अलावा गेट ओपन होगा गाड़ी के तो मैसेज सेंड होगा, इसके अलावा ट्रंक या बारात वगैरह ओपन होंगे तो मैसेज सेंड होगा, और अगर कोई गाड़ी चोरी करे तो मोबाइल के जरिए भी हम गाड़ी को ब्लॉक कर सकते हैं, या मतलब किसी दूसरी लोकेशन पे गाड़ी को ले जाए तो फिर भी हम लोकेशन को ट्रेस करके लोकेशन रिक्वेस्ट करके लोकेशन हमें रिसीव हो जाएगी। अगर गलत जगह पे गाड़ी हो तो फिर हम उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, ये मेन पर्पज। और इसमें का ये काम है जिसको हमने इस कार के उससे कनेक्ट किया, मतलब अगर इस प्रोजेक्ट को आप बाइक पे भी इम्प्लीमेंट करोगे ना तो ये रिले के जरिए ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा। इसको आप चला सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं सर, चलाए सर। ये अभी इस पासवर्ड जो है आपने डाल दिया, ये गाड़ी के अंदर लगाते हैं, ये चीज बाइक में भी लगा सकते हैं। अच्छा, वो गाड़ी आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गई, यहाँ से रिमोट से हम इसको कंट्रोल करते हैं। सही है, ये अभी हम गाड़ी को इस तरह दोबारा पासवर्ड डाल के इसको लॉक करते हैं, दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, पासवर्ड डालना होगा लॉक करने के लिए, दोबारा फिर से पासवर्ड डालेंगे जी, लॉक हो गया, दोबारा से ये लॉक हो गई। अब इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं चला सकते, कोई भी इसको नहीं चला सकता। ये मैंने गेट ओपन किया, अभी मोबाइल पे मैसेज से रिसीव हो जाएगा, जीपीएस मॉड्यूल नहीं लगा सकते है ना। अच्छा, इसको इस तरह दबा के ये बटन प्रेस हो जाएगी, मतलब गेट ओपन हो गया। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है ना, ये गेट जैसे ओपन होगा उसको उधर मैसेज आएगा, मोबाइल पे मैसेज आ गया कि भाई गेट आपका जो है खुल गया। अच्छा, ये क्या है? ये ट्रंक है, ट्रंक भी है, बॉनट भी यूज करते हैं इस तरह। अच्छा, गाड़ी का कुछ भी गाड़ी का खुलेगा तो यहाँ पे मोबाइल पे सेंस हो जाएगा। थैंक यू सर।